ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਦਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਨੀ ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਧੰਮਪਦ 49 ਨੰਬਰ ਉਫ ਬੱਗੂ। इसकी जो कथा है, जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक है। एक शंकर नाम का शहर था, उसमें एक कोसीय नाम का महाधनवान मगर महाकंजूस। महा का मतलब पुरानी भाषा में बड़ा होता है। महाधनवान, उसके पास धन भी बहुत था और कंजूस ही बहुत था। वो किसी को धन नहीं देता था। तो वो अपने परिवार के साथ एक बार उसका मन हुआ कि मालपुए बनाए। मालपुए उस समय बहुत बढ़िया मिठाई मानी जाती थी। तो उसने सोचा कि अगर मैं घर में नीचे बैठ के बनाऊंगा तो कोई ना कोई आ जाएगा, उसको देने पड़ेंगे। इसलिए उसने अपनी घर की छत के ऊपर मालपुए बनाए। उधर वो मालपुए बना रहा था और इधर जो महामोगलैन है, भिक्खू और थेर, वो अपनी चारिका पर, यानी कि जो भिक्षा के लिए निकलते हैं, भिक्षा का मतलब है भ्रमण करते हुए शिक्षा देना और बदले में खाना लेना, उस चारिका के लिए, उस नियमित जो उनका कार्य था उसके लिए वो निकले हुए थे। जो नियम है भिक्षु संघ के और विनय के चारिका करने के, उसी के नियम के तहत में वो उसके द्वार पे जाके खड़े हो गए और वहां जाके खड़े रहे कि वो देखेगा तो आगे भिक्षा देगा और फिर वो उसको धम्मदान देंगे। धम्मदान देने का जो नियम था वो महाकंजूस जानता था। उसने सोचा कि ये जो भिक्खु आया है इससे मैं धम्म सीख लेता हूँ, धम्म देखता हूँ ये देगा या नहीं देगा, और इसको कुछ दूंगा नहीं, ऐसा मन में जानते हुए उसने महामोगलैन से धम्म के लिए कहा। महामोगलैन जो धम्म है उसमें सबसे ज्यादा पारंगत बुद्ध के बाद में बताए जाते हैं। वो उसकी मनोस्थिति समझते हुए और अपने धम्म का नियम का पालन करते हुए, क्योंकि धम्म ये कहता है, विनय ये कहता है कि आपको बदले में चाहे कुछ मिले या ना मिले, मगर आपको शिक्षा देनी है, उसको शिक्षित करना है, सिख बनाना है। तो उन्होंने उसको वहां धम्म दान देना शुरू किया और धम्म के बारे में बातें बताई। वो वहां से चलने लगे तो उस जो महाधनवान कंजूस व्यक्ति था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस भिक्खु ने मेरे को धम्म दिया, दान दिया, इतना समय खर्च किया, बड़े समय से इसने बताया और इसकी भूख का टाइम है, इसकी भिक्षा का टाइम है, मगर इसने भिक्षा मेरे से कहा नहीं, मांगी नहीं। उसका हृदय, उसका दिल, उसका मन, उसका चित्त, उसका माइंड थोड़ा सा परिवर्तित हुआ। उसे और ज्यादा जिज्ञासा हुई धम्म के बारे में कि ये कैसा धम्म है जिसमें धम्मधर जो आया और उसने मुझे धम्म दिया, बदले में कुछ लिया भी नहीं। और जिज्ञासा हेतु उसने क्या किया कि उनको मालपुए दिए और भिक्खु संघ में और मालपुए देने की इच्छा से वो उनके साथ चल दिया। सारे भिक्खु संघ को उसने वहां मालपुए दिए। धम्म का असर ऐसा हुआ कि वो फिर धम्मिक बन गया, धम्म में सीख गया, उसका जो कंजूसपन था वो चला गया, उसकी जो ये कुरीति थी, जो बुराई थी, वो निकल गई। तब भिक्खु संघ में ये चर्चा हुई कि आखिर इतना कंजूस महाधनवान व्यक्ति धम्म से कैसे इतनी जल्दी बदल गया, महामोगलैन ने ऐसा क्या किया। भगवान बुद्ध ने इस चर्चा में महामोगलैन के समझाने की, धम्म के विनय के नियम पे चलने की और भिक्खु के जो नियम होते हैं उनका सही तरह से अनुपालन करने की बड़ी प्रशंसा की। और तब ये गाथा उन्होंने वहां की, जो गाथा नंबर 49 है, इस प्रकार से है। यथापि भमरो पुप्फं वन गंध महेठयं पलेति रस मादाय एवं दामे मुनि चरे। ये बहुत साधारण और बहुत स्पष्ट और बहुत बढ़िया कहानी और छोटी सी है जो गाथा है। यथापि भमरो पुफ्फं, यथापि का मतलब है जिस प्रकार, यानी जैसे। भमरो का मतलब है, आप राजस्थान में गाना सुनते होंगे, भमरो भमरो करके आता है। भमरो वही पाली का शब्द है जो राजस्थान के भमरो गाने में आता है। भमरो का मतलब है भौरा या भमर। भमरो का मतलब हो गया जैसे बुद्धों को बोलते हैं एक बुद्धा, ऐसे ही भमरो का मतलब एक भमर या भौरा। तो फंग माने फूल को। वर्ण गंध महेठयन,
वर्ण माने जो होता है वो रंग होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि वर्ण जब हम किसी का कहते हैं कि तेरा क्या वर्ण है, इसको संस्कृत भाषा में वर्ण बोलते हैं। वर्ण का मतलब यहाँ पाली के अंदर पुरानी भाषा में रंग होता है। वर्ण जो आता है, जैसे आपका वर्ण क्या है, वर्ण का मतलब है कि आपका रंग कैसा है, गेहूं रंग है या सफेद है या काला है, सोने जैसा है या हिरण जैसा। हिरण का मतलब सुवर्ण है। भारत के अधिकतर लोग सुवर्ण रंग के होते थे, गेहूं जैसे और हिरण जैसे, उनको सुवर्ण बोला करते थे, सवर्ण नहीं सुवर्ण। वर्ण बाद में बना तो सु लग गया आदमी, तो सुवर्ण हो गया। और जिनका रंग नहीं होता उनको अवर्ण बोलते हैं, अवर्ण या अवर्ण, यानी वो सफेद रंग के होते हैं उनको अवर्ण बोलते हैं। तो यहाँ वर्ण और गंध, यानी कि उसका जो फूल का रंग है और जो उसकी खुशबू है, गंध है। महेठयन, महेठयन का जो मतलब है, इसका मतलब है एठयंग। एठयंग का मतलब है ए माने नहीं और ठेंग माने कष्ट पहुंचाना, यानी कि ठेस लगती है। जैसे आज की समय तो उसको ठेस बोलते हैं कि ठेस लग गई, आपको कहां ठेस लगी, उस समय ठेया बोला जाता था, ठेया। इसको हेटना भी बोलते थे, तो हेटना या ठेना, यानी ठेस लग गई, तो हेटना का ठेस ना हो गया, ठेस बन गई। तो ए हेटरिया या ए हेटना या ए हेटयंग, यानी कि उसका जो वर्ण है, उसका जो रंग है फूल का, उसकी जो गंध है, वो बिना कष्ट पहुंचाए भंवरा ले जाता है। जैसे पलेती रस मादाय, पलेती माने चला जाता है, ले जाता है, वॉक करता है। रस मादाय, रस मादाय का मतलब रस आदाय, आदाय का मतलब होता है लेता है, पीता है या रखता है। और रस का मतलब जो उसका रस है, जो मधु है, वो लेता है। एवं गामे मुनि चरे, एवं माने वैसे ही, इसी प्रकार। एवं गामे मुनि चरे, ऐसे ही इसी प्रकार। गामे का मतलब गांव में, मुनि माने जो भिक्कू है, चरे माने चरे, प्रक्रिया करे, और वो उसको करना चाहिए। सिंपल सी अगर हिंदी भाषा में हम इसको साधारण शब्दों में कहें तो जिस प्रकार भौंरा होता है और वो फूल के रस को और गंध को ले लेता है और उसके कोई भी फूल को हानि नहीं पहुंचाता, फूल वैसा का वैसे रहता है और उसके मधु को, उसको रस को पीकर वहां से चला जाता है, ऐसे ही भिक्कू को जब वो चरिया में जाए, जब वो भिक्खाटन में जाए, जब वो गांव के अंदर जाए या कहीं जाए और भिक्का ले, तो जिससे भिक्का ले उसके मन को बिल्कुल भी हानि ना पहुंचाए, उसके मन को बिल्कुल भी दुख ना पहुंचाए, लेस मात्र भी दुख ना दे। अगर कहीं किसी को दुख होता है तो वहां से भिक्का ना ले, ऐसा काम ना करे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो महाकंजूस व्यक्ति था, महाकंजूस व्यक्ति को महामुगल ने समझ लिया कि अगर मैं इससे भिक्खा लूंगा, इससे भोजन लूंगा या भोजन मांगूंगा तो ये कष्ट में आ जाएगा क्योंकि इसका मन दुखेगा, इसलिए उन्होंने वहां उसको आग्रह नहीं किया। मगर वो समझ गए कि ये मुझसे धम्म सीखना चाहता है और देना कुछ नहीं चाहता, तो इसको देना चाहिए, इसके मन को ठेस नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको धम्म नहीं दूंगा तब भी इसके मन को ठेस लगेगी कि देखो कैसा मुनि है, अगर भिक्षा नहीं दी इसने, मैंने अगर इसको भुक्ता नहीं दी तो इसने मुझे धम्म नहीं दिया। इसलिए महामोगलैन ने जो नियम है धम्म के, उनका पालन करते हुए उसको बिना ठेस पहुंचाए वहां धम्म दिया। और धम्म देने का लाभ ये हुआ कि वो धम्म में जिज्ञासा उसको ही उत्पन्न हुई कि ये कैसा अनमोल धम्म है कि जहां भिक्कू इतनी शांति से आते हैं और बिना कुछ लिए भी धम्म का ज्ञान देके जाते हैं। ये इसका सार है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। ॐ शरणं गच्छामि।
शरण गच्छामि। Sangam Sarnam Garchami।